तो गाइस यहाँ पर देखिए, जब भी हमारे पास कोई ऐसी पुरानी बाइक आ जाती है तो अक्सर होता क्या है, जैसे कि ये हीरो होंडा की सीडी डिलक्स बाइक है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ये इसका कार्बोरेटर होता है, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर जो ऊपर का ये कट होता है ये खराब हो जाता है, यहाँ से पेंचेस जो है हमारा स्लिप करने लगता है, या फिर ये जो इसका एयर सक्रियो मिक्सचर होता है ना, यहाँ से ये जाम हो जाता है, जिसके चलते यहाँ से जब हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर जो है कार्बोरेटर के अंदर एयर का मिक्सचर नहीं होगा, एयर और पेट्रोल का, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम करने लगता है, या तो बाइक मिसिंग करेगी अगर ये दिक्कत करेगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा माइलेज कम हो जाएगी, ये इसका फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो इसका एयर सक्रियो है ना, यहाँ पर ये जाम हो चुका है, तो मैंने कुछ ट्राई किया तो यहाँ पर ये जो है नहीं खुला है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास बड़े वाला पेंचस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मैंने थोड़ी धार तेज कर ली है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये तेज धार है। तो यहाँ पर ये जो सा कार्बोरेटर है ना, तो यहाँ पर जब मैं इस पर जोर लगाता हूँ तो यहाँ पर ये भी स्लिप कर रहा है, मैंने कुछ ट्राई किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कट भी लगाया। तो यहाँ पर अब हुआ क्या, देखिए, मैं यहाँ पर जब इस पर काफी दबाव देता हूँ ना, और इसको पकड़ कर यहाँ पर काफी कस के ना मैं इसको खोलता हूँ, तो यहाँ पर ये यहाँ से जो है पेचकस स्लिप कर जाता है, यहाँ से देखिए ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपके पास कभी ऐसा केस आ जाए तो यहाँ पर या तो आप खराद वाले के पास ले जाएं, ठीक है, या फिर इसको ड्रिल मशीन से भी कटवा सकते हैं। अगर हम मान लो ड्रिल मशीन से इसको कटवा देते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये तो सक्रू यहाँ से खराब हो जाएगा, तो हमें इसमें दूसरा लगाना पड़ेगा। तो आपने इसको इस तरीके से खोलना है कि आपका ये सक्रू भी सेफ रहे और यहाँ पर जो चूड़ी है वो भी ज्यादा खराब ना हो। तो अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये काफी केस आ चुके हैं तो मैंने इनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपके पास एक छोटा पेचकस होना चाहिए, तो यहाँ पर आप उसको थोड़ी तेज धार बना लें, देखिए मैंने इसको थोड़ा आगे से जो है धार तेज कर लिया। तो अब आपने यहाँ पर जो है ना हल्का हल्का यहाँ से इसको ऐसे गोलाई में इसको काटते जाना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब मैं वही करके आपको दिखाऊंगा, देखिए कैसे। तो यहाँ पर आज मैं आपको इसमें दो बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप इस जाम से जाम सक्रियों को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ट्रिक तो यहाँ पर ये है जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत हीट करके यहाँ से चारों तरफ से जो है इसको यहाँ से जो है ये फ्री हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पर ये आसानी से खुल जाएगा। ये भी इसका एक बेस्ट ट्रिक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये सक्रिय होता है ना बहुत ही जाम होता है, जिसके चलते अगर हम यहाँ से साइडों से जो है इसकी कटिंग भी कर देते हैं ना तब भी यहाँ से ये नहीं निकलता। तो इसके बाद आपको ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट इतना बेस्ट है ना कि आप इसको एक मिनट के अंदर ही इसके सक्रियों को आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको साइड से यहाँ से कटिंग कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर तब भी यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, लेकिन कुछ कार्बोरेटर ऐसे आ जाते हैं जिनमें यहाँ पर ये इतना सक्रिय जम हो जाता है, तो यहाँ पर हमने इसको जैसे साइडों से कट किया ना तब भी यहाँ पर ये ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए आपने करना क्या है, तो चलो दोबारा ट्राई करते हैं। हे भगवान, इतना जाम हो गया, यहाँ से कटिंग करने पर भी जो है सक्रिय थोड़ा बहुत नहीं हिल रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इसको करना है, बहुत ही ज्यादा जोर ले रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा अब टाइट करते हैं इसको, आवाज बहुत आ रही है जैसे कोई नट खुलता है ना और उसकी बहुत ज्यादा आवाज होती है जब वो जाम खुलता है, वही कुछ इसके अंदर हो रहा है। इस सक्रियों ने सर्दी में भी पसीने निकलवा दिए, इतना ज्यादा जोर इस पर लगाना पड़ रहा है। अरे यार टूट गया, देखो दोस्तों अपने ये कितना जाम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, इसको हम खोलेंगे। तो गाइस भले ही यहाँ पर एक साइड की जो स्पोर्ट बनी थी ये टूट गई हो, लेकिन मैं हार अभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा काम है हार नहीं मानना, और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर काम को जवाब नहीं दे देता। वैसे मेरी पॉलिसी है, मेरा नियम है कि मैं वो
कोई भी काम हूँ 99.99% वो करके ही छोड़ता हूँ, ठीक है। तो गाइस आज पता नहीं क्या किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, यहाँ से ये वाला भी कट गया। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, या तो ड्रिल मशीन। अगर हम यहाँ पर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करने से ये सक्रिय तो यहाँ से खराब हो जाएगा, और हो सकता है अगर जो बिट होती है ठीक है तो यहाँ पर वो साइड में भी लग सकती है, चूड़ी भी खराब हो सकती है। अब वो तो हम इसमें नहीं यूज करेंगे, तो लास्ट ऑप्शन है ये, मैं नया आरी का ब्लेड लेकर आया हूँ तो यही मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने जो है ना इसको थोड़ा, ये जो इसकी बॉडी है यहाँ पर भी इसके अंदर ऐसे कट इसमें लगाना है, देखिए ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जगह बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ऐसे इसमें कट लगाना है, तो अब इसमें जगह बन गई। तो हमारे पास ये थोड़ा आगे से धार सेट कर लेना आप, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं हम, तो यहाँ पर अब ट्राई करूँगा मैं। भाई जो भी मैं दिखा रहा हूँ ना रियल दिखा रहा हूँ, कभी आप सोचें इससे ठीक तो अब कार्बोरेटर चेंज कर देते, खरात वाले के पास ले जाते, सौ बातें मत बनाना। अगर कुछ सीखना है तो कुछ अपने आप करके देखो, खरात वाले भी इंसान हैं, बनाने वाला भी इंसान है, ठीक है। आप भी इंसान हो, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारे इसके पॉइंट भी जानते होंगे कैसे निकलता है, सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो जब तक आप अपने आप काम करके नहीं देखोगे ना तब तक काम में जो है जीरो रहते हैं, तब तक हम जो है उसमें जीरो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इसको थोड़ा ट्राई करूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब ये जगह बन गई है, अब देखते हैं क्या होगा। अब इस बाबू रेल में या जेल में, बस एक काम होगा भाई, आपने कहा बात तो सुनी होगी, बाबू रेल में या जेल में। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं पूरा दमखम लगा के, इसने बहुत परेशान कर दिया है, चलो देखते हैं भाई। हो गया मिशन कामयाब, किसको नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह भाई वाह, अरे ओए भाई साले ने नाक में दम कर दिया था, देखा कितना बेशरम पेश है, देखो साला इतना कटने के बाद भी ना यहाँ से नहीं निकला, देखो भाई। तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो हमारा बिल्कुल ओके है, थोड़ा इसको खोल के ना इसमें पेट्रोल मार के थोड़ा इसको एयर से साफ कर लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये हमारा शक्रियु है आप इसको भी लगा सकते हैं, तो इसके अंदर मैं दूसरा ये एयर शक्रियु लगा दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको खोल के थोड़ा साफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। तो चलो मैं आपको इसकी सेटिंग करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी जगह है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो इसके अंदर वार्सल है इसको आप निकाल लें, छोटी सी वार्सल और एक रिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक छोटी वार्सल है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ इसको भी, और इसके अंदर एक छोटा सा और रिंग होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर से जो रिंग निकला है देखिए क्या इसकी हालत हो चुकी है, ये काफ़ी समय से जो है निकला नहीं है, इसको शायद किसी ने सेट नहीं किया, देखिए। तो यहाँ पर अब चलिए मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको आगे। तो यहाँ पर जब भी आप कोई काम करें आपको हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके यहाँ पर शक्रियों को निकाल दिया। आप चाहे तो पहले ही यहाँ पर ये लंबा कट लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पॉइंट जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि वीडियो में अगर मैं पहले ही बता देता तो पॉइंट जो होते हैं उनको अगर हम पहले ही बता देंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग वीडियो को फिर देखते ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि ये यहाँ पर पेंच लगा है ना, तो आपने ये आरी का ब्लेड लिया और इसको ऐसा इसमें थोड़ा अंदर तक, ये भी कट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको जान के दिखाया हूँ ताकि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने ये काम किया है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आपने इसको थोड़ा गहरा कट यहाँ पे इस बॉडी में लगा देना है ताकि यहाँ पर ये आसानी से खुल जाए, देखिए ये भी इसका एक शॉर्टकट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको साफ करके यहाँ पर इसमें दूसरा एयर सक्रिय मिक्सर लगा लेता हूँ। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ से अच्छे से क्लीन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपको सक्रिय खोल के दिखाया, तो यहाँ पर आप ऐसे कट इसमें लगा सकते हैं पहली ही बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहली बार में इस तरीके से इसको कट करके निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो आपको कौन से वाला इसमें ये पॉइंट देना अच्छा लगा ये मुझे आप जरूर बता देना। अब यहाँ पर इसको हमने साफ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास काफी सामान पड़ा है और यहाँ पर ये मेरे पास देखिए जो एयर स्क्रू होते हैं, यहाँ पर ये हमने निकाला जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये मेरे पास काफी पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो मैंने पहले इसमें से निकाले हुए हैं कुछ बाइक्स में से, यहाँ पर देख सकते हैं ये है, और मैं आपको दिखा दूँ ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो ये जो दो है ना यहाँ पर ये ओके हैं, ठीक है। तो होता क्या है कहीं बात, जैसे कि हम कुछ बाइक में थोड़ा ये कट लगाया ये बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि आप इसके अंदर नया वाला लगा दो, ठीक है। ये मेरे पास नए हैं तो अभी ये बचे हुए हैं, तो मैं इनको ही इसमें डाल देता हूँ, यहाँ पर ये नया है, ठीक है। तो स्प्रिंग वार्सल इसका मैं निकाल दूंगा यहाँ से, और ये रबर रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर लगा के हमने दो तीन बार इसकी चूड़ी को सेट करना है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा ऑयल लगाना है यहाँ पर, आपने रिंग पर ऑयल नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पर चूड़ी पर लगाना ताकि यहाँ पर ये फ्री हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं किसी एक को ले लेता हूँ और इसमें डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ठीक है, बस ताकि यहाँ पर ये जो है इसमें दोबारा इसको जंग न लगे। तो मैं फिट करता हूँ इसको। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एयर स्क्रू है, यहाँ पर इसके अंदर स्प्रिंग वार्सल और एक छोटा सा रिंग, ठीक है। तो इसको आपने इसमें लगाना है, आपने कार्ब्यूरेटर को ना ऐसे पकड़ के लगाना है और इसको ऐसे आपने टाइट करना है, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये काम करेगा, यहाँ पर देखिए कितना फ्री है आपके सामने, देखिए, ठीक है। तो आप इसके अंदर यहाँ पर लंबा कट ऐसे लगाएं, ठीक है, लंबा कट लगाने पर ये जो आपका एयर सक्रिय हो आसानी से खुल जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा ताकि इसके अंदर साइड में तेल चला जाए। यहाँ पर आपने ज़्यादा लंबा कट नहीं लगाना, थोड़ा तरीके से कहीं लगाना है, ज़्यादा दूर भी नहीं ताकि कार्ब्यूरेटर ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कट करके इसके अंदर जो आप नया सक्रिय भी लगा सकते हैं, तो अगर ये ठीक रहता है तो इसको भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको निकाल देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, साथ ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।